कि चुनाव जीतने के लिए अगर सारे देश में आग लगानी हो तो वो भी करा सकते हैं। मैं आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं कि अपने 40 बच्चों की मौत का बदला इस बार के चुनाव में हमको लेना है। साक्षी मलिक मेरे रोड की है, तो मैं 4-6 दिन पहले गया था तो 3 मिलाई करके आया कि भाई चलो ये तो हमारे घर की बेटी है। तो मैं इससे अभी कह रहा था कि तुम्हें देश में जिधर निकलोगे इसी तादाद में लोग तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे और देश के लोगों ने तुम्हारी लड़ाई को अपनी लड़ाई मान लिया है। अब इसमें कोई ज्यादा मेहनत करने की जरूरत आपको नहीं है, वो मेहनत हम करेंगे। मैं आपको एक बात बताऊं, 2 हफ्ते पहले मैंने एक इंटरव्यू में उस अखबार वाले को बताया कि पुलवामा में हमारे 40 जवान शहीद हो गए थे। जब मैं वहां गया और मैंने सारा नक्शा देखा और लौट के आया तो प्रधानमंत्री कहीं गए हुए थे, शूटिंग करा रहे थे अपनी, उनका टेलीफोन आया। उन्होंने कहा सतपाल भाई क्या हुआ? मैंने कहा साहब ऐसे ऐसे हमारे 40 जवान शहीद हो गए और वो हमारी गलती से हुए। वो 4 महीने से हवाई जहाज मांग रहे थे जम्मू से श्रीनगर जाने के लिए, लेकिन उनको हमने हवाई जहाज नहीं दिए, लिहाजा वो सड़क के रास्ते गए और मारे गए। तो प्रधानमंत्री ने मुझे कहा कि तुम चुप रहो। 2 घंटे बाद जो हमारा सिक्योरिटी एडवाइजर है अजीत डोभाल, वो मेरे साथ पढ़ा है, उसका टेलीफोन आया कि सतपाल भाई इस पे बोलो मत, इस पे चुप रहो। मैंने समझा शायद ये जांच कराते होंगे, वो जांच आज तक नहीं हुई है। वो सिर्फ एक बहाना ढूंढ रहे थे कि इस सवाल पे पाकिस्तान की तरफ मोड़ के और चुनाव लड़ जाएं। हमारे 40 बच्चों की लाश पे खड़े होकर ये चुनाव जीते हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं अब की उनकी लाश पे इनको भस्म कर देंगे और इनको हम सजा देंगे कि इन्होंने कैसे हमारे बच्चों के साथ लापरवाही बरती। 5 हवाई जहाज सरकार के लिए बड़ी चीज नहीं होती। मैं वहां गवर्नर था, कश्मीर के और जम्मू के लड़के जहाज मांगते थे जब सर्दियां होती थी कि हमें इम्तहान देने जाना है और सड़कें बंद हैं, तो मैं सबको हवाई जहाज दिलवा देता था। तो एक तरह से जानबूझ के उनको मरवाया गया ताकि चुनाव में इसका इस्तेमाल हो सके। और ये ऐसे लोग हैं कि चुनाव जीतने के लिए अगर सारे देश में आग लगानी हो तो वो भी करा सकते हैं। मैं आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं कि अपने 40 बच्चों की मौत का बदला इस बार के चुनाव में हमको लेना है।